अभी हवा में तुम दिया रखो, जरूर बुझेगा। ऐसे जो मन विषय भोग में परा है, संसार के पदार्थ में परा है, वो समझो हवा में दिया रखा है, वो बुझ जाएगा। तो हम ऐसी जगह दिया रखा है जिसको दिए में कभी कभी कवर भी करना पड़ता है तो बुझे ना। तो हमको संसार के उससे हवा से बचाने का है दिए को, आत्म जागृति को, तो मेरे को संसार की हवा लगे ही ना। नहीं तो संसार जो बैल खड़ा है, संसार हमेशा तुमको ऐसा ऐसा करता है, बुलाता है, और हम उसको नो करते हैं। तो मैं एक जगह हूँ, मैं नहीं आएगा, मैं नहीं ये करेगा। तुम्हारे अंदर में प्योरिटी आएगी तब तेरे को हिम्मत आएगी। जब तुम्हारे अंदर प्योरिटी नहीं है तो हिम्मत भी नहीं है। हिम्मत ये मरना तो मदद है खुदा। ये बंदा ही जो बेईमान होवे तो खुदा कितनी भी मदद करेगा तो नहीं पहुंचेगी। पर जब तू हिम्मत रखेगा, पावर रखेगा, तो बस मेरे में क्या कमी है, मेरे को तो पावर है ना। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे अंग संग है, तो मैं वीक क्यों अपने को करूं? नहीं तो दुनिया में सब दुनिया में वीक होते हैं। तो वीक क्यों होते हैं? क्योंकि वांछ, इच्छा, ऐसा द्वेष, द्वेष क्यों? पर तुमको व्यवहार में ध्यान चलाना नहीं आता है, एक कमजोरी है तुमको। मेरे आगे आंधी आंधी करता है, पर जब व्यवहार को तुम जनक जैसा बैठो, पर सब पदार्थ मिथ्या समझे। मिथ्या तन धन कुटुर सभाया, मिथ्या हमें ममता माया, मिथ्या राज्य बंधन मार्ग। बैठो उधर, त्यागी पापा नहीं बनना, बैठो उधर। पर लेश मात्र भी तुमको कुछ कष्ट न हो, लेश मात्र जरा भी कष्ट न हो। तुम बैठ के देखो तो मैं इधर उमानत तोड़ बैठा हूँ, सैर करने के लिए बैठा हूँ, निमित्त मात्र बैठा हूँ। मैं देखू तो इस माया में मेरी आंख देखने का कौन सा काम करती है, कौन सा काम करती है? तो आंख तो आंख है, तुम्हारी आंख कैसे देखती है? जिसकी आंख, सबकी आंख अपना अपना काम करती है, तो वे तुम्हारे आंख में हुआ ना, तो तुम्हारी आंख कौन सा काम करती है, मेरी आंख कैसा काम करती है? तो ये आंख का तरफ फर्क हुआ ना। सब देखो तुमको पक्का है विश्वास, तो सबकी आंख अपने तरफ से काम करेगी, दुनिया में भी घूमेंगी फिरेंगी, आप अपना काम करेंगे। तो कौन सा काम करे, हमारा भगवान कैसा काम करता है, उसको कौन सी दिव्य दृष्टि है, कैसा होता है, वो तुमको देखना चाहिए। तो कैसे मैं देखूं? ऐसा देखो जिसमें अंदर में तिरुपति आए, तो ये भी मेरा रूप है, ये भी मेरा रूप है, सब मेरा रूप है। तो मैं किसको देख के नाराज बनूं, किसको देख के शोक करूं, किसको देख के मोह करूं? भगवान सत्य है, से जो होता है सब सत्य है, आप सत्य किए सब सत्य। ऐसा ही कुछ गाने जा समझ रही हो? कोई मुद्दा थोड़ी मेरे को बनने का जो ऐसे मूर्ति रखे। मैं तो चलते फिरते खाते पीते डांस करते हुए भी मैं एक आगर हूँ, मैं एक अगर ही हूँ, मेरे को कभी भी के बात नहीं है। काय को मेरे अंदर में तो दूसरा नहीं है ना, बाहर से ये कटक उतरी बने चले, पर अंदर एकाग्रता है क्योंकि सम दृष्टि अंदर में है। तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई अच्छी बात भी नहीं है, जिसके लिए मन हिले हिले के स्तर बुद्धि वाले को अनुभव होता है। तो तुमने अंदर बुद्धि को स्तर नहीं किया है, मायावी बुद्धि है या ईश्वर बुद्धि है, कभी स्तर आएगी पूछो, तुम्हारी मायावी बुद्धि है या ईश्वर बुद्धि है? बस ईश्वर की बुद्धि है तो बस नीचे बुद्धि उसकी स्तर रहती है। और दूसरा कैसा बने? मैं पहले से ही मुक्त हूँ, तो जीवन में वह मुक्त है जो सबको देख के बड़ा खुश होता है, समझता है ये भी मेरी लीला है, ये भी मेरी मौज है। कोई भी हालत आती है तो मुस्कुराता रहता है, जीवन मुक्त, कभी तार तू नहीं करता है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये न होता था, ऐसा न होता था। कुछ भी हो तुम कभी किसी से भूल नहीं निकाला, जीवन मुक्त मजा ही देता है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना तो क्या दिलगिरी है बाबा, जब आशिक मस्त फकीर बना। आशिक हुए जो फकीरी बहुत जाता है, मतलब मेरे को राजाई में बहुत सिर में दर्द था, अभी क्राउन ने किला पड़ा था, अभी क्राउन उतारा तो बात खत्म हो गई। तो आशिक को मस्त फकीर बनना पड़ता है। तुम देखो सबकी हिस्ट्री, जो भी हमारे बड़े बड़े हो गए पैगंबर, उनने लोगों ने फकीरी जब चाही तभी उसको मस्ती आई। ये फकीरी नहीं चाहते थे, राजा ही भी चाहते थे, और फकीरी भी चाहते थे, दोनों गए काम से।
चिंता से दोनों गए न माया मिली न राम। चिंता करेंगे तो भाई फकीरी हम कैसे करेंगे, राजा ही वरी कैसे करेंगे, ये वरी कैसे करेंगे, ये वरी कैसा होगा, नहीं सब ठीक है, सब पास इंशो है। तो जब आशिक मस्त फकीर बना तो क्या दिलगिरी है बाबा। तुम देखो जितने भी सीता जो थी वनवास गई, दो बेटा हुआ, ऐसे फकीरी में भी वह उसका चेहरा देखो चमकता है। जो भी ऐसी तपस्या करेगा संसार से वैराग देगा तो ये संसार की माया मेरे को छोड़े, मैं क्यों संसार की माया को देख के छोड़ू। जैसे कोई मर जाता है तो पहले हम उससे मन निकालते हैं तो वो भी खुश हम भी खुश, वो भी मरने के तहत चिंता नहीं करेगा, बोलेगा ये तो पहले ही मरे पड़े हैं। मरने से पहले हमको मरने की तैयारी करनी क्या है तो दूसरा भी देखेंगे हमारे लिए है ही नहीं है, मम्मी पर मेरे लिए नहीं है, भाई पर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसने वैराग दिया। जो संसार से दुनिया में छूटा वो छूटा, बाकी दुनिया फंसी पड़ी है।